होम्योपैथी इतिहास में प्रथम बार होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 12 मार्च से 10 अप्रैल तक एक माह के अवेयरनेस कैंपेन का शुभारंभ माननीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी द्वारा पोस्टर विमोचन एवं बैनर विमोचन के माध्यम से किया गया है। एसडीए अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा निरोगी राजस्थान के समर्थन संपूर्ण राजस्थान में निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर के माध्यम से 50,000 से ज्यादा अधिक मरीजों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का लाभ दिया जाएगा। माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने बताया कि राजस्थान में आज़ादी के बाद प्रथम बार 2 राजकीय महाविद्यालय कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त 500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की घोषणा की गई है, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी शीघ्र ही सम्मिलित किया जाएगा एवं होम्योपैथी चिकित्सकों के पोस्ट भी सर्जित करवाए जाएंगे।